वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी है थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको हमारे इस चैनल साइलेंट क्लासेस पे कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हमारे चैनल साइलेंट क्लासेस में वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं। और यदि आप किसी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक NDA, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर और भी किसी एग्जाम्स के 10+2 लेवल के, ठीक है, 10+2 लेवल के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, द इक्वाटोरियल रेनफॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, भूमध्य रेखीय वर्षा वन के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय वर्षा वन के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है सावाना, ऑप्शन बी है सेल्वस, ऑप्शन सी है कैंपस, ऑप्शन डी है लोनोस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्वस। सेल्वस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य रेखीय वर्षा वाले वन सेल्वस के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑकरिंग ओवर द कैरिबियन सी इज ऑल्सो नॉन एज डैश, ठीक है। कैरिबियन समुद्र या फिर कैरिबियन सागर के ऊपर आने वाली चक्रवाती तूफान को किस रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है, किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए है टाइफून, ऑप्शन बी है हेरिकन, ऑप्शन सी है बिली बिली, ऑप्शन डी है साइक्लोन, ठीक है, मतलब चक्रवात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरिकन, ठीक है। कैरिबियन सागर के ऊपर आने वाली तूफान होती है, ठीक है, चक्रवाती तूफान, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तूफान बोलते हैं, हेरिकेन, हेरिकेन बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो नॉन एज, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्षेत्र डैश के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत के, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है सेल्वस, ऑप्शन बी है बेडल्ट, ऑप्शन सी है डॉन्स, ऑप्शन डी है लेलोंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेडल्ट, बेडल्ट के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, मैदानी क्षेत्र जो है वो बेडल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फेरल्स लॉ इज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन ऑफ, फेरल का नियम विक्षेपण से संबंधित है, ठीक है, किसके विक्षेपण से संबंधित है। ऑप्शन ए है कोल्ड एयर मास, ऑप्शन बी है मानसून एयर मास, ऑप्शन सी है हॉट एयर मास, ऑप्शन डी है ट्रेड विंड एंड ओशियन करेंट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड विंड एंड ओशियन करेंट, व्यापार पवन और महासागरीय धाराएं से के डिफ्लेशन से संबंधित है, ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना है, ठीक है, कितना है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान। ऑप्शन ए है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सी, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। इसका PDF मैं आपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, ठीक है ना, इसके PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में दे रखा है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का साइलेंट क्लासेस नेम है, ठीक है, आप लोग उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुनामी इज द नेम गिवेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया नाम है, किसको दिया गया नाम है सुनामी। ऑप्शन ए अर्थक्वेक, ऑप्शन बी साइक्लोन, ऑप्शन सी टिडल वेव्स, ऑप्शन डी अंडरसी वेव्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारी लहरें, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, टिडल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है। गाइस मैं इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं एक रिवीजन रखा हूँ, ठीक है ना, रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, आपको क्वेश्चंस ये इसी वीडियो में के दौरान ही याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको डबल देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने रिवीजन भी करवा दूंगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज
टिहरी डैम बिल्ड, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और ये भारत का ये लार्जेस्ट बांधों में से, मतलब सबसे बड़े बांधों में से एक है, ठीक है ना, टिहरी बांध, टिहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज, पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, ठीक है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हिमालयस, ऑप्शन बी विंध्यास, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी सतपुरा। ठीक है, सतपुरा पर्वत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विंध्यास, बी नंबर ऑप्शन सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, द बिगेस्ट नेचुरल सेटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, क्या है, कौन सा वह है? ऑप्शन ए है फोबस, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी डिमोस, ऑप्शन डी गैनीमेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मून? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैनीमेड। ठीक है, मून है, नेचुरल सेटेलाइट है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है बिगेस्ट, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, नेचुरल सेटेलाइट तो पूछा जा रहा है, साथ ही साथ बिगेस्ट, ठीक है, तो मून जो है वो नेचुरल है बट बिगेस्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रिवॉल्व क्लॉकवाइज, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, कौन सा ग्रह घूमता है? ऑप्शन ए है अर्थ एंड मरकरी, ऑप्शन बी है वेनस एंड यूरेनस, ऑप्शन सी है वेनस एंड नेपच्यून, ऑप्शन डी है यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेनस एंड यूरेनस, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th है, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति था? ठीक है, ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है इराटोस्थनीज, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी है, ठीक है, टॉलेमी थ्री यूरेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अरस्तु? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इराटोस्थनीज, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है हीरा उत्पादक एकमात्र राज्य बोला जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई थिंक बी नंबर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा, आई एम 100% श्योर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th है, रिवर लूनी लवहानवरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच अमोंग द फॉलोइंग रेंजेस? ठीक है, लूनी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत से निकलती है? ठीक है, लूनी नदी को क्या बोलते हैं? लवहानवरी रिवर। ठीक है, ऑप्शन ए हिमालय रेंजेस, ऑप्शन बी विंध्या रेंजेस, ऑप्शन सी अरावली रेंजेस, ऑप्शन डी सतपुड़ा रेंजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, मतलब जो ओरिजिन स्थान है, ठीक है, ओरिजिन स्थान है लूनी नदी का, वो क्या है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड इज कॉल्ड रस्ट बेल्ट ऑफ जापान? ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को जापान का जंगलगी बेल्ट कहा जाता है, मतलब रस्ट बेल्ट? ठीक है, किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है किस द्वीप को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए है नॉर्थन होन्सू, ऑप्शन बी है क्योसू द्वीप, ठीक है, क्योसू इजलैंड, ऑप्शन सी है सिकोकू इजलैंड, ऑप्शन डी है साउथन होन्सू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकोकू द्वीप, ठीक है, सिकोकू इजलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, रस्ट बेल्ट ऑफ जापान सिकोकू इजलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th है, पीपल ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑल्सो नॉन एज मग्यार? ठीक है, मैग्यार, हिंदी में मैग्यार और इंग्लिश में मग्यार्स, मग्यार्स किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है हंगेरी,
ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है स्पेन। ठीक है, ऑप्शन डी है स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगेरी। निम्नलिखित में से किस देश को मैग्यार के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस देश के लोगों को होगा यहाँ, ठीक है, किस देश के लोगों को मैग्यार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हंगेरी। हंगेरी इसका सही आंसर है। ठीक है, हंगेरी देश के लोगों को क्या कहते हैं? हंगेरियन। ठीक है, और उन हंगेरियन को कहते हैं मग्यार, मग्यार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एमोंग दी फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाई छोटा नागपुर प्लेट्यू? ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सा राज्य नहीं ढका हुआ, या फिर किस राज्य में नहीं है छोटा नागपुर पठार? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी असम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ठीक है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गोदावरी? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य में के तट पर स्थित है? ठीक है, भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? गुल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। द गुल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर द क्वेश्चन है, सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन इंडिया? नासिक शहर भारत के किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे द सिटी ऑफ नासिक है। ठीक है, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और चलिए अब जल्दी से इन 20 क्वेश्चन को रिविजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप लोग और 5 मिनट हमारे वीडियो में बने रहिए, तुरंत आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रिविजन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, दी इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज भूमध्य रेखीय वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय वर्षा वन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सैल्वस। ठीक है, भूमध्य रेखीय वर्षा वन को सैल्वस के रूप में भी जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, दी साइक्लोनिक स्टॉर्म ओकरिंग ओवर दी कैरिबियन सी इज नॉन एज हेरिकेन? ठीक है, कैरिबियन समुद्री के ऊपर आने वाली चक्रवाती तूफान को हम लोग बोलते हैं तूफान। ठीक है, हेरिकन, हेरिकन का एक्चुअली मीनिंग ही होता है तूफान। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रास लैंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज नॉन एज वेलडट? ठीक है, वेलडट इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, दक्षिण भारत के घास के मैदान क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, वेलडट, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, द फेरेल्स लॉ इज रिलेटेड टू डिफ्लिक्शन ऑफ कोल्ड एयर मास, बी नंबर ऑप्शन है मानसून एयर मास, सी नंबर ऑप्शन है हॉट एयर मास, डी नंबर ऑप्शन है ट्रेड विंड एंड ओशन करेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, व्यापार पवन और महासागरीय धाराएं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड विंड एंड ओशन करेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, दी एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज, पृथ्वी की सतह के औसत तापमान है 15 डिग्री सी? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनामी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया नाम है? तो ये ज्वारी लहरें सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सुनामी किसे कहते हैं? ज्वारी लहरें को कहते हैं। ठीक है ना, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज तेहरी डैम बिल्ट? ठीक है, तेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तेहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ बनाया गया? भागीरथी नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ठीक
ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को, किसे कहा जाता है नॉर्वे को, किस देश को कहा जाता है नॉर्वे को, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, 9 नंबर क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज, पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, ऑप्शन ए हिमालय हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य विंध्यास, ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंध्या, विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है, ठीक है, विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, फोबस मून डिमोस गैनीमेड, सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व क्लॉकवाइज, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, ऑप्शन ए अर्थ एंड मरकरी, ऑप्शन बी वीनस एंड यूरेनस, ऑप्शन सी वीनस एंड नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीनस एंड नेपच्यून और यूरेनस, ठीक है, वीनस एंड यूरेनस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति था, तो ये थे एरेटोस्थेनीज, ठीक है, एरेटोस्थेनीज बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ डायमंड उत्पादन होता है, ठीक है, डायमंड का उत्पादक राज्य है हीरे का, ठीक है, हीरे का उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, रिवर लूनी लाभानबरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच एमोंग द फॉलोइंग रेंजेस, ऑप्शन ए हिमालय रेंजेस, ऑप्शन बी विंध्यास रेंजेस, ऑप्शन सी अरावली रेंजेस, ऑप्शन डी सतपुड़ा रेंजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली रेंजेस, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड रस्ट बेल्ट ऑफ जापान, रस्ट बेल्ट ऑफ जापान सिकोकू इजलैंड को बोलते हैं, ठीक है, सिकोकू द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पीपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑल्सो नॉन एज मैग्यार्स, ठीक है, मैग्यार की कहाँ के किस देश के लोगों को बोलते हैं मैग्यार्स, तो ये बोलते हैं हंगेरियंस को, ठीक है, हंगेरी देश के लोगों को बोलते हैं मैग्यार्स, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं है, तो ये नहीं है असम में, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 था, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, द गुल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया, मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु, ठीक है, डी नंबर, तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन इंडिया, ठीक है, नासिक शहर भारत के किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, ये स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे 20 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी डिफेंस एग्जाम्स की अभी और भी किसी भी लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, उनके सब्जेक्ट्स में यदि ज्योग्राफी इंक्लूड है, ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और कोई भी क्वारी होगा तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस में मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमें हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और एक बात याद रखिएगा कि ये ईमेल एड्रेस से आप लोगों को यदि कोई भी मेल आता है, ठीक है, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिएगा, कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को कभी भी किसी भी तरह से
इरिटेट नहीं करते हैं, ठीक है, पैसा नहीं मांगते, रुपीज नहीं मांगते किसी भी पीडीएफ शेयर करने से, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। पीडीएफ स्टूडेंट्स लोगों को दिया जा रहा है पैसे के रूप में, ठीक है, पैसा लिया जा रहा है उनसे और उनको पीडीएफ दिया जा रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ईमेल एड्रेस से आपको यदि मेल आता है तो आप उस पर बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स से कभी भी पैसे नहीं लेते हैं किसी भी पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।